दोस्तों स्वागत है आपका फैक्ट्स इन हिंदी में। ये खूबसूरत साध्वी जया किशोरी जी ने अपने खूबसूरत कथाओं और विचार से पूरे देश में धमाल मचा दी है। भागवत कथाओं के लगभग हर क्षेत्र में जया किशोरी जी की ही चर्चा होती है। लोग उनके विचार और मधुर आवाज के भी दीवाने हो चुके हैं। उनके संगीत में जादू तो है ही, लेकिन उसके प्रस्तुतिकरण भी बहुत ही बेमिसाल होता है। जया किशोरी जी के बारे में आज हम आपको ऐसा राज को बताने वाले हैं जिस कारण से अभी तक वो शादी नहीं की है। तो इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रोजाना जानकारी वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए चलिए बताते हैं कि आखिर कौन है जया किशोरी जी का पहला प्यार। जया जी का जन्म राजस्थान के सुजानगढ़ में 13 जुलाई 1996 को ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाली जया शर्मा भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई। जब वो सिर्फ 10 साल की आयु में थी, उसी समय में ही संपूर्ण सुंदर गान गाकर लाखों दिलों में बस गई थी। और तभी उसके गुरु जी ने जया जी को किशोरी उपनाम दिए। तभी से जया जी के दिल में राधा सी भावना आने लगी और समय के साथ जया जी जया किशोरी के नाम से पूरे देश में छा गई। जया किशोरी जी कहती है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती हूँ जिसके कारण मेरी कथा प्रभावित हो जाए, और इसलिए उन्होंने किसी से भी शादी ना करने का फैसला कर लिया। उनकी शादी के लिए बहुत सारे खबरें फैली, लेकिन इन्होंने उनका जवाब ना में दी। लेकिन अब उसने एक खुलासा किया है कि आखिर वो शादी क्यों नहीं करना चाहती। जया किशोरी जी ने बताया है कि वो मन ही मन भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मान चुकी है। भगवान कृष्ण ही उनका पहला प्यार है और वो इस प्यार को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि पूरी तरह से श्री कृष्ण की दीवानी बन चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स।